नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो आइए बच्चों, पहले हम आकृति के माध्यम से यह प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, मान लीजिए पहला वृत्त यह है जिसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने इन दोनों वृत्तों की परिधियां निकालनी है, यानी परिमाप निकालना है और उसका योग करना है, तो हमारे पास एक बड़ा वृत्त इस प्रकार से आएगा। हमें उस वृत्त की परिधि पता लग जाएगी क्योंकि वह परिधि इस पर इस सर्कल और इस सर्कल की परिधि के योग यानी प्लस के बराबर होगी। उस परिधि के अनुसार हम इस तीसरे वृत्त की त्रिज्या आर निकालेंगे। तो आइए बच्चों, इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लिखते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर, देखिए हमें दी हुई है 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर है 9 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि मान लो तीसरे वृत्त की त्रिज्या, यानी कि जो हमें नया वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार तीसरे वृत्त यानी नए वृत्त की परिधि बराबर होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। और बच्चों, हमें पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2π, साथ में रेडियस, तीसरे वृत्त की रेडियस है r, बराबर होगा पहले वृत्त की परिधि है 2 × π × r। पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वह 19 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी 2 × π × दूसरे की त्रिज्या, दूसरे की त्रिज्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। आशा करता हूं ये आपको समझ आया होगा। तीसरे वृत्त की नहीं पता तो 2πr बराबर पहले वृत्त की परिधि 2πr, r है 19, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2πr, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। आइए अब इसे हल करते हैं। ये है 2πr बराबर, देखिए बच्चों यहां भी 2π है और यहां भी 2π है, तो हम 2π को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है बच्चों, और यहां से 2π कॉमन चला गया, बाकी रह गया 19 सेंटीमीटर, प्लस 2π कॉमन चला गया, बाकी रह गया 9 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आ गया 2πr बराबर 2π, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए यहां पर r आ जाएगा 2π गुना 28 सेंटीमीटर, 2 और पाई इधर r के साथ गुना हो रहे हैं, जब ये उधर जाएंगे बराबर से उधर जाएंगे तो हो जाएंगे भाग। अब बच्चों हमें क्या करना है, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास r बच गया, 2π कट गया, बाकी रह गया 28 सेंटीमीटर। तो ये r क्या है बच्चों, यह r है तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या आई है r। और बच्चों हमें निकालना है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, यानी कि तीसरे वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी थी। तो यह जो त्रिज्या है r बराबर 28 सेंटीमीटर
हमारे पास आ गई है। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को हल करके हमने तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। हम यहां इसके नीचे लिख देंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यही हमारा प्रश्न था। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।